ओके, दर्शकों को एक बार फिर से नमस्ते। अशोक जी ने मुझे दोबारा से मौका दिया आप सबसे मिलने का, और आज की यात्रा में हम एक्सप्लोर करेंगे उन सब बातों को, उन सिद्धांतों को जो कभी हमारे पूर्वजों ने, हमारे राजा महाराजाओं ने, और भी अनेकों प्राचीन सिद्धांतों को जिसे कभी ऋषि मुनियों ने वगैरह ने सब ने हमको संजो करके दिया, और हमारे पूर्वजों के कारण, हमारे इतिहास के कारण आज जिस कंफर्टेबल लाइफ को हम जी रहे हैं, हम उन्हें भी धन्यवाद देने का एक प्रयास करेंगे। आज पूरा विश्व जिस सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा है वो है पानी। इस दुनिया में पीने का पानी 1% से भी कम बचा है, और पूरी जो मानव जाति है वो आज नए नए सोर्स तलाश रही है कि पानी कहाँ मिल जाए। चंद्रमा को भी इसी प्रकार से खोजा जा रहा है कि वहाँ से हमें पानी मिल सके, ताकि वहाँ मानव की नई बस्तियाँ बसाई जा सके। लेकिन आमेर के राजपूत राजा, जो कि लगभग 1000 साल पहले आमेर में आए थे, वो भी इस समस्या का बहुत समाधान ढूंढ रहे थे। तो आमेर के राजा मानसिंह जी ने एक बहुत सफल प्रयास किया। ये जो आप देख रहे हैं, चारों तरफ से आपको दिखाई दे रही हैं, ये पहाड़ियाँ हैं अरावली रेंज, और इस ये गांव जो है ये ढूंढाड़ गांव के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं मेवाड़ की, तो हम देखते हैं कि वो तो झीलों की नगरी है, प्रकृति ने उनको भरपूर खूब पोषण दिया हुआ है। इस एरिया में पानी का कोई भी सोर्स नहीं था, तो आमेर के राजाओं ने इसका एक बहुत ही सफल जो है प्रयास किया इसे बचाने का। सबसे पहले तो पब्लिक के लिए देखिए झील बना दी। ये एक आर्टिफिशियल झील है, क्योंकि जो भी पानी बरसता है इन पहाड़ों से, वो सारा पानी आकर के झील में जमा हो जाता है, और ये सारा पानी जो है गाँव के जो कुएं हैं, गाँव का जो वाटर लेवल है उसे काफ़ी इंक्रीज कर देता है, तो गाँव में भी आसानी से पानी पहुंच जाया करता है। दूसरी चीज़ जो आप देखेंगे कि वो सुरक्षा का सिद्धांत, जिसे हम हमारे वास्तुशास्त्र में भी देखते हैं, जो कि सिक्योरिटी वॉल में बिलीव करता है। तो राजा ने, जब महाराज सवाई जयसिंह जी ने जयपुर शहर को बसाया था, तो आमेर शहर को एक सुरक्षा दी जाए। आपको दिखाई दे रही है पहाड़ों के ऊपर जो बाउंड्री वॉल दिख रहे हैं ना, आपको जा रही है ऊपर तक, ये पूरी करीब 9.27 किलोमीटर इन पहाड़ों में फैली हुई है, और यहाँ झील के बीच में एक बहुत खूबसूरत केसर क्यारी भी बनी हुई है। कभी राजा को मौका मिला था कश्मीर जाने का, वहाँ देखा कि वहाँ के राजा लोग जो थे केसर, या वहाँ के निवासी केसर उगाया करते थे। राजा ने कहा कि भाई हम भी केसर उगाएंगे, और इस झील के बीच में उन्होंने केसर बाग बनाया। इसे हम महल में जाकर के स्पष्ट रूप से दिखा पाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ से दिखा पाना संभव नहीं है। मैं आपको सिद्धांत बता रहा था कि ये इतिहास है, इसे संजो करके हमारे पूर्वजों ने हमारे सामने वर्तमान के रूप में प्रस्तुत किया है। तो हम वर्तमान में रह करके हमारे इतिहास को पढ़ते हैं, किलों और महलों को एक उदाहरण के रूप में देखते हैं, वहाँ पर जो जो सारी विशेषताएँ बताई गई हैं उन्हें हम सीखते हैं, और हमारे भविष्य को एक सफल और उज्ज्वल बनाते हैं। तो ये आमेर का किला जो है हमें बहुत सारी विशेषताओं के बारे में बताएगा, बहुत सारी नई नई टेक्निक्स के बारे में, जो कि राजा ने उस समय 16th century में ही इन्वेंट कर ली थी। हम जानेंगे कई रहस्यों को भी। आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही खूबसूरत टेक्निक है यहाँ पर, ये वाटर लिफ्टिंग टेक्निक। ये आप देख रहे हैं, आपको जो एक दो तीन बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं, ये वास्तव में पानी के टैंक हैं, क्योंकि आमेर महल में आसानी से पानी पहुंच सके पहाड़ी के द्वारा, तो ये जो थे सैनिक लोग यहाँ से लेके जाएंगे सीढ़ियों से, और पानी को भर के पहले टैंक में भर देंगे, वहाँ से खींच करके ये दूसरे टैंक में डाला जाएगा, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, और फिर चौथे से महल के अंदर। वैसे राजा ने इस पूरे पहाड़ी को खुदवा करके भी यहाँ पर पानी के टैंक बना रखे हैं, वाटर टैंक्स। तो यूनेस्को की टीम जब 2013 में आई थी, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजपूत राजा इतना विद्वान था कि उसने उस समय ही इस पानी को 16th century में बचा रखा था, जिसके लिए आज हम दुनिया को एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पानी बचाओ, पानी बचाओ। और राजा ने वो कारनामा बहुत पहले कर दिखाया था, तो उन्होंने इस किले का नाम विश्व विरासत में लिख दिया। ये यूनिक टेक्निक है जो केवल आपको इसी किले में देखने को मिलती है नॉर्थ इंडिया के अंदर, कि जहाँ स्टेप वाइज स्टेप वाटर को लिफ्ट किया जा रहा है। और एक विशेषता बताई जाती है इस पानी के अंदर, जो आपको ये झील का पानी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो पहाड़ियाँ हैं अरावली रेंज, ये बहुत बड़ा सोर्स हैं कई मिनरल्स का। तो बारिश का पानी जब बहता हुआ इन पहाड़ों से निकल करके आके और यहाँ झील में जमा होता है, तो उसमें मिनरल्स की शक्तियाँ भी समाई हुई रहती हैं। और मैंने खुद ने भी देखा है कि यहाँ पर पब्लिक आती है,
कुष्ठ रोगियों को स्नान करवा के लेके जाती। तो शरीर पर जितनी भी एलर्जी जो हो चुकी है वो इस पानी में स्नान करने से साफ हो जाती, मतलब उनको ट्रीटमेंट मिलता है। बाबर का जो अपने नाम सुना है, बाबर में इतनी शक्ति थी कि बाबर अपने दोनों कंधों के ऊपर दो हट्टे कट्टे लोगों को बिठा करके और रेत के एक टीले को दौड़ के चढ़ जाया करता था। उसने अनाउंस कर रखा था कि विश्व में जो भी मुझसे लड़ना चाहे मैं तैयार हूं लड़ने को, आ सकता है मुझसे। लेकिन आप समझ पा रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि उसमें कितनी शक्ति थी। लेकिन बाबर भी यदि नहीं लड़ पाया था तो उस गर्म हवा से, जिसे हम लू के रूप में जानते हैं जो कि रेगिस्तानों में बहा करती थी, तो इससे पूरी की पूरी बाबर की सेना बिल्कुल भी रेगिस्तान की तरफ या राजस्थान की तरफ आने को तैयार ही नहीं थी। वो कहती थी कि भट्टी है, इस भट्टी में हम नहीं जाएंगे। तो बाबर ने खुद को और अपनी सेना को आराम से रखने के लिए लाहौर में एक जन्नत का बगीचा बनाया था। वही जन्नत का बगीचा देखिए हमें यहां भी देखने को मिलता है। आप देख रहे हैं ये बीचों बीच वहां पर एक पाउंड बना हुआ है और इस पाउंड के चारों तरफ चार छोटे छोटे से बगीचे बने हुए हैं। ये चारों बगीचे हैं और देखिए बीचों बीच यहाँ पर आपको बहुत सारे फाउंटेन भी दिखाई दे रहे हैं। ये फाउंटेन और ऊपर जो बिल्डिंगें बनी हैं ये पानी के टैंक्स हैं। यहाँ पर इनमें सैनिक लोग पानी भरा करते थे और नीचे पाइपलाइन के थ्रू वहाँ जाके फाउंटेन से चलता था वो। तो चारों तरफ फंवारे ही फंवारे चलते थे, फाउंटेन ही फाउंटेन। तो कितनी भी गर्मी क्यों ना हो उससे ये आधे घंटे में 15 डिग्री तक कम कर दिया करता था, 15 से 20 डिग्री। और इतनी जो राहत मिल जाए वही राहत जन्नत है, इसीलिए इसे जन्नत का बगीचा कहा गया है, पैराडाइज गार्डन। आमेर फोर्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कई चरणों में बना, 147 ईयर्स इस किले को बनने में लग गए थे और 3 जनरेशन ने इसे बनाया। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी 1592 में राजा मानसिंह जी के द्वारा, जब पहली बार उन्होंने यहाँ पर निवास अपना किया था। उसके बाद उनके ग्रेट ग्रैंड सन जिनका नाम है मिर्जा राजा जयसिंह, उन्होंने इसे बनाया। और उनके बाद उनके ग्रैंड सन जिनका नाम है सवाई जयसिंह, उन्होंने इसे बनाया। और फिर महाराज सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर बसाया और सब लोग जयपुर चले गए। ये आमेर के राजा की माता है जो राजा मानसिंह जी लेकर के आए थे बंगाल से, काली माता का मंदिर है। और इस महल की विशेषता ये है, क्योंकि हम जब इस महल में जाएंगे विजिट करने के लिए तो हमें एंट्रेंस इस रास्ते से मिलेगा और जब हम बाहर निकलेंगे तो पूरी एक लगभग प्रदक्षिणा करके हम इस मंदिर की बाहर आते हैं। और कलयुग की देवी काली माता है, तो काली माता के आपने अगर प्रदक्षिणा कर दी है तो अभी काली माता फिर आपकी रक्षा करती है, आपको बचाती है। तो जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं उन्हें एक अनदेखा आशीर्वाद मिलता है इस महल की यात्रा से, काफ़ी पवित्र यात्रा है। और ना केवल आप काली माता की प्रदक्षिणा करते हैं, वो देख रहे हैं बाहर सामने सामने आपको जो गणेश जी दिखाई दे रहे हैं ये कोरल यानी मूंगे से बनाए गए, जो गणेश जी आपको दिख रहे हैं विराजित, ये कोरल स्टोन से बने हैं। तो कोरल जो है मंगल ग्रह को भी रिप्रेजेंट करता है, बुद्ध जो गणेश जी हैं वो बुद्ध ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, और काली माता, ये बहुत अच्छा एक संगम है इस महल की यात्रा का। तो आपको देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है। और जब कभी भी, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जहाँ कहीं पर भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो ईश्वर से हमको हजारों लाखों एंटीनाज मिले हुए हैं जो आसपास के वातावरण से भी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ अवशोषित करते हैं। और जहाँ कहीं पर भी हम एक्सरसाइज करते हैं, जैसे आप अभी वॉक करके जा रहे हैं इस किले के अंदर, तो एक प्रकार की एक्सरसाइज, अपन पहाड़ी चढ़ के आए तो हमें जो शक्तियाँ मिलती हैं ये शक्तियाँ हमें स्वस्थ भी रखती हैं, खूबसूरत बना के रखती हैं और हम लंबे समय तक अपना जीवन आराम से जी पाते हैं। तो किलों महलों को घूम करके, क्योंकि जिस प्रकार से मैं आपको पिछली बार बता रहा था कि खूबसूरती में शक्तियाँ होती हैं, कि खूबसूरती किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, तो ये किले महल बहुत ही बारीक खूबसूरतियों के साथ सजा करके बनाए गए। तो इन किलों महलों में ऊपर से आने वाली सभी शक्तियों का निवास है। तो जहाँ कहीं पर भी आप ये इस प्रकार की वॉक करेंगे, पहाड़ी को चढ़ के आएंगे या घूमेंगे फिरेंगे, तो आपके शरीर को भी वो शक्तियाँ भर देती हैं एक पॉजिटिव एनर्जी से। आपको जो ये मेन एंट्रेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये हिंदू घर का बना हुआ मेन गेट है। और जब आपको ध्यान से देखने पर दिखाई देगा कि ये हिंदू संस्कृति के अनुसार बिल्कुल भी नहीं बना हुआ, ये कंप्लीट मुगल तरीके से बना हुआ है। 1, 2, 3, 4 एल्कोव भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ना यहाँ पर कोई देवी है, ना कोई देवता, कोई गणेश जी भी नहीं है।
ये पूरा सजा हुआ भी मुगल पेंटिंग से है। तो कहानी क्या है इसे हम अंदर समझेंगे, आइए आप मेरे साथ। वो कहानी शुरू होती है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुए युद्ध से, जहां हुमायूं युद्ध को हार जाते हैं और भटकते भटकते इनको 15 ईयर्स हो गए थे मध्य एशिया के अंदर, जहां पर ये लगातार तलाश रहे थे मदद, क्योंकि जब ये सिंध में से गुजर रहे थे तो वहां इन्होंने राजा वीर साल के यहाँ शरण ली थी, जहां उनकी वाइफ हमीदा बानो बेगम ने अकबर को जन्म दिया। वहां जाकर हुमायूं को एहसास हुआ उन गलतियों का जिन्हें उन्होंने 10 सालों के शासन के दौरान हिंदुस्तान में की थी, और हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े साम्राज्य को गंवाना पड़ा। जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत गलत किया, मैं वापस से इस हिंदुस्तान को फतेह करूंगा, तो वो मदद हासिल करने के लिए जगह जगह भटक रहे थे, लेकिन 14 और 15 ईयर्स तक उन्हें मदद कहीं से नहीं मिली। अंत में वे मुगल जो कभी तरस रहे थे इस हिंदुस्तान मात्र को जीतने के लिए, ये भविष्य में हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे एशिया के बादशाह बने, और इनमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया था, ये कहने लग गए थे कि हम चुटकियां बजाएंगे और दुनिया भी जीत लेंगे। इतना जो कॉन्फिडेंस इनमें आया, ये सिखाया था ईरान के बादशाह की बेटी ने अपनी सीख के दौरान हुमायूं को, और एक ऐसी सीख थी जो बिलीव करती थी केवल सम्मान करने में, और ये सम्मान करने का जो तरीका है ये था अपने आप को बहुत खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत करने वाला। उन्होंने सिखाया था कि हिंदुस्तान है जहां पर खुद देवी देवता आकर के जन्म लेते हैं इन हिंदुओं के यहाँ, ये वो हिंदू है जिनकी तपस्याओं से भी खुद ही भगवान भी घबराता है, भिजवाता है अप्सराओं को कि जाओ इन ऋषि मुनियों का ध्यान भंग कर दो, वरना ये तुम्हारी अपनी तपस्याओं से तुमसे तुम्हारा स्वर्ग भी छीन सकता है, फिर तुम कहाँ भटकते रहोगे। तो ईरान के बादशाह की बेटे ने सिखाया कि यदि कुछ हासिल करना है इस हिंदुस्तान से, तो उन शक्तियों को हासिल करो जिसे ये हिंदू देवी देवताओं को समर्पित करता है। यदि आपने इस हिंदू से वो शक्तियां हासिल कर ली, तो आपको इस दुनिया का बादशाह होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये शक्तियां हासिल होंगी कब? जब ये हिंदू यदि तालियां बजा दे इन मुगल मुस्लिम्स के लिए, इनकी तारीफें करने लग जाए, मजबूर हो जाए तारीफ करने पर। और ये तरीका जो था मुगलों ने हासिल करके दिखाया, अपना करके दिखाया, और ऐसी सफलताएं हासिल करी जो कि यहाँ आमेर के किले में भी आपको देखने को मिलेगी। हम जब इस आमेर किले को विजिट करते हैं तो हमें सीखने को मिलता है उन सब सिद्धांतों को बारीकियों के साथ में, और एक एग्जाम्पल है जो हमें लाइव रूप में देखने को भी मिलता है। हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले आइए देखिए मेरे साथ में, जो डॉटर ने सिखाया था इस हुमायूं को वो था केवल एक सम्मान करने का तरीका, और वो सम्मान करने का तरीका विश्वास करता था अपने आप को खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करने कि हिंदुओं के सामने या इस हिंदू देश के सामने आप अपने आप को इतना खूबसूरत बना के प्रस्तुत करो कि आपके लिए तालियां बजाने को मजबूर हो जाएं। तो ये बहुत सारी खूबसूरतियां समेट के लाए जिन्हें कई रूप से इन्होंने इस हिंदुस्तान में प्रेजेंट करके दिखाया। सबसे पहले दिखाया अपने आर्किटेक्चर, जिनके एग्जाम्पल हैं आपके सामने, दिल्ली का लाल किला है, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी, हुमायूं टॉम, सफदरजंग का मकबरा भी आप देख सकते हैं, और ताजमहल तो उसका लाइव एग्जाम्पल है। बहुत खूबसूरत डिसिप्लिन से रहते थे, दीवाने आम बनाएंगे जहां केवल आम आदमी की समस्याओं को ही सुना जाएगा, दीवाने खास में खास लोगों से बातचीत की जाएगी, आने वाली प्लानिंग्स की जाएगी, हर व्यक्ति को एक टाइटल से, यानी कि उनके जो मनसबदार थे, सूबेदार थे, उनको एक टाइटल मिला हुआ था, वजीर वगैरह को, कि उनको टाइटल से ही बुलाया जाता था कि अगर वो बाजार में भी जाएंगे तो उनको उनके कर्तव्यों का पूरा पता रहेगा कि मुझे ये कर्तव्य करने हैं पूरे। हाई रैंक के मनसबदार आगे बैठेंगे, लोअर रैंक के मनसबदार पीछे बैठेंगे, बहुत खूबसूरत कपड़े पहनते थे, मुगलई फूड की दुनिया दीवानी थी, आपको पता भी है। तो वही तरीके जो मुगलों ने अपनाए, इन राजपूत राजाओं ने कहा कि वे तरीके वास्तव में पॉजिटिव हैं और इनसे लगातार सफलता मिलती है। तो हम भी जब हमारा नया घर बनाएंगे, हम भी उसी प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। फतेहपुर सीकरी के सुपरविजन के दौरान आमेर के राजा मानसिंह जी जो वहां सुपरवाइज कर रहे थे, ने देखा कि अकबर ने एक गैर जिम्मेदाराना हरकत कर डाली थी। वो क्या थी कि फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम उन्होंने नहीं बनाया, तो भविष्य में आमिर का भी मजाक बनेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई ये काम तो मैं नहीं होने दूंगा, और उन्होंने मुगल कलाकारों को कहा कि मैं बादशाह को कह नहीं सकता, ये हमारे रिश्तेदार भी हैं और मेरे बॉस भी हैं, मैं इनसे पूछ भी नहीं सकता कि आपने दीवाने आम क्यों नहीं बनाया।
आप एक काम करो, मेरा घर है हिंदू घर आमेर में, तुम वहां चले जाओ और मेरे घर में जाकर के दीवाने आम बनाओ। जब मेरे घर में दीवाने आम बन जाएगा तो बादशाह को मजबूर होना पड़ेगा कि इन्होंने क्यों नहीं बनाया। तो मुगल कलाकार जब पहली बार यहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई ये हिंदू राजा होकर के भी हमारे संस्कारों को यानी हमारे सिद्धांतों को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी इनके घर को भर देंगे उस सुंदरता से जो कभी अपने साथ हम ईरान से लाए थे। और मुगल पूरी दुनिया भर में विशेष रूप से फेमस हैं पैरेलल पिलर्स लगाकर बिल्डिंग बनाने के लिए। तो वही देखिए पैरेलल पिलर का जो आपको तरीका है उन्होंने यहाँ पर भी यूज में लेकर के दिखाया। ये सारी बिल्डिंग उन्होंने पैरेलल पिलर्स के ऊपर बना रखी है। और दो प्रकार के पत्थर उन्होंने यहाँ काम में लिए हैं, लाल पत्थर और सफ़ेद पत्थर। जो लाल पत्थर है ये रिप्रेजेंट करता है मुगल कल्चर को, क्योंकि आपको पता है दिल्ली का लाल किला है, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी, हुमायूं टॉम्ब, अकबर का मकबरा सब लाल पत्थर से बने हैं और मार्बल से बनते हैं मंदिर और भगवान, वो निशानी है हिंदू कल्चर की। जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा हर पिलर के ऊपर एक एलिफेंट बना है, एलिफेंट की सूंड में एक कमल का फूल है, ये निशानी है आपके हिंदू कल्चर की, आपकी रॉयलिटी की, आपके वेलकम की। और देखें नीचे बने हैं ये फूल पत्ती वाली डिजाइनें जो मुगल कला को दर्शाती है। अब ये वो पहली दफा है या पहली बार है जब यहाँ राजपूतों ने भी अपना हर सिद्धांत जो है लिखना चालू किया। आपने जब देखा होगा रामायण को या पढ़ेंगे रामायण को तो आपको देखने को मिलता है कि सीता माता जो है भगवान राम को सदैव आर्य पुत्र कह के पुकारती हैं। क्या अर्थ होता है इस आर्य पुत्र का? सूर्य नारायण, क्योंकि ये सूर्यवंशी हैं और आर्य पुत्र है सूर्य की किरण जो हर सुबह आती है और हर शाम को गायब हो जाती है। वो समझाती रहती हैं कि आप इस धरती के नहीं हैं, एक दिन आप भी चले जाएं। तो जो राजपूत थे ये कभी भी अपने इतिहास को नहीं लिखा करते थे कि हम जब हमें चले ही जाना है तो हमने क्या किया क्या नहीं किया, उसको क्या लिखना, केवल हमारे एविडेंस हमारे सबूत छोड़ के जाएंगे। तो अभी तक के जितने भी बिल्डिंगें आप देखने को मिलेंगे वो एक सबूत के रूप में आपके सामने जगह जगह पर दिखी हुई हैं, दिख रही हैं। लेकिन ये वो पहला एक राजपूत घर बना जहां अब इतिहास को लिखा जाने लगा, क्योंकि राजपूतों ने कहा कि अब हमसे बड़ी शक्तियां यानी मुगल इस देश में आ चुके हैं, तो अब जो भी हम निर्णय लेंगे उनको लिखेंगे और इनको मुगलों से अप्रूव करवा लेंगे, तो ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक एविडेंस के रूप में उनके सामने रहेंगे। और देखिए ये कचहरी है, लेकिन कचहरी को हम देखें उससे पहले मैं आपको यहाँ पर और भी कुछ दिखा देता हूँ ताकि हम वापस ना आना पड़ेगा हमें। देखें अभी हम आपको बता रहा था हम पूरी पहाड़ियों से चढ़ कर के ऊपर आए हैं, हमने भी काफी अच्छी वॉक करी है तो हमें भी इस महल की एनर्जी डेफिनेटली मिलेगी। और वो सबसे बड़ा जो तरीका था राजा मानसिंह जी ने और उनके बाद में उनके सभी वंशज जिन्होंने मुगलों की सेवाओं में अपना समय बिता करके देखा या सीखा, वो था डिसिप्लिन। क्योंकि जो व्यक्ति डिसिप्लिन से रहता है वह हमेशा सफलताएं हासिल करता है। तो राजपूत राजा ने देखा कि मुगल जो हैं ये वंशज हैं तैमूर लंग और चंगेज खान, ये ऐसे बड़े वॉरियर हैं जिनके डर के कारण चाइना को भी चारों तरफ दीवारें खिंचवानी पड़ गई थी। यदि हमने इन मुगल्स को युद्ध के मैदान में इम्प्रेस नहीं किया तो हम इनसे कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो जब राजा ने अपना ये महल बनाया पहाड़ी के ऊपर तो देखिए सबसे पहले इस पूरी पहाड़ी को फ्लैट करवा दिया और यहाँ बना ये इतना बड़ा परेड मैदान, इसे जलेब चौक के नाम से जाना जाता है। क्योंकि तो राजपूत राजाओं ने भी वही सभी शब्दावलियाँ अपनाई जो कि एशिया भर में सामान्य रूप से जानी जाती थी, ताकि इनकी बातों को सब समझ पाएं कि वहाँ पर अगर आमेर में कुछ हो रहा है तो क्या हो रहा है। तो उन्होंने भी वही शब्दावलियाँ अपनाई हैं। राजा को भी कहा गया कि राजा आप भी डिसिप्लिन से रहें, तो राजा को डिसिप्लिन से रखने के लिए पब्लिक से अलग करवा दिया गया। वो जो सामने गेट आप देख रहे हैं वो पब्लिक को दिया गया और ये वाला गेट राजा, जब भी राजा आते थे वो हाथी पर बैठ के आएंगे और उनको वेलकम के देख रहे हैं, वो एक ड्रम रखा हुआ है वहाँ, वहाँ ड्रम नगाड़े वगैरह बजाकर राजा को वेलकम करेंगे, उसे नौबत खाना कहते हैं। ये टेक्निक सबसे पहली बार अलेक्जेंडर के साथ में यहाँ पहुंची थी, अलेक्जेंडर से मुगलों तक गई, मुगलों से फिर राजपूतों के पास में भी आई। तो जब भी राजा एक म्यूजिकल रिदम सुनाई जाती थी जहाँ सभी शांति से इस म्यूजिकल रिदम को सुना करते थे। आपको देखने को मिलेगा कि कितनी खूबसूरती से हर पिलर को चीजल करके यहाँ देखिए एलिफेंट बनाया गया। एलिफेंट की ट्रंक के अंदर एक लोटस फ्लावर भी है और नीचे हर बॉटम पर बनी है फूल पत्ती वाली डिजाइन। अब राजा मानसिंह यहाँ बीच में बिछाएंगे एक बड़ा सा कालीन और यहाँ नीचे बैठकर अपने सभी
मंत्रियों के साथ में पब्लिक की जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुना करेंगे। नीचे वहाँ पब्लिक बैठेगी, जब भी यहाँ मेहमान आएंगे तो दीवाने आम जब चलेगा तो जो मेहमान आएंगे उनके लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए वहाँ सामने जो 3 दरवाजे बंद हैं वो किचन है जहाँ खाना पकाया जाएगा, और यहाँ 3 कमरे और हैं जहाँ उनको खाना खिलाया जाएगा, डाइनिंग हॉल है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक बहुत ही दर्दनाक खबर पढ़ी थी अखबार में कि अफगानिस्तान में तालिबानियों ने 2 महिला पायलट्स को पत्थर मार मार के जान से मार दिया। लेकिन हमारी हिंदू संस्कृति में हम कन्याओं को भी देवी के रूप में पूजते हैं। राजा कहते थे कि कन्या ही तो है जो बड़ी होकर के रानी बन गई, तो जब छोटी सी कन्या हमें शक्तियां दे सकती है तो बड़ी रानी तो बड़ी शक्ति देगी। तो ये वो पहला राजपूत घर भी है जहां रानियों का एक बहुत बड़ा सम्मान आपको देखने को मिलता है कि राजा ने कहा कि मेरा जो साम्राज्य है मैं रानियों की शक्ति के बिना नहीं चला सकता। और बंगाल से मंगवाए थे झरोके, आपको देख रहे हैं ये झरोके बने हैं सामने, ये झरोके बंगाल से मंगवाए गए थे और इनके पीछे रानियां बैठ करके ऑब्जर्व किया करती थी कि राजा कैसे दीवाने आम चलाते हैं। जयपुर में हवा महल देखा आपने, हवा महल उसका दूसरा एक एग्जाम्पल है जहां पर आज देख लीजिए जयपुर में कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा एग्रीकल्चर फील्ड भी नहीं है। लगभग 7.5 मिलियन की पॉपुलेशन अगर जयपुर में बड़ी आसानी से आज की तारीख में रह रही है, तो ये शक्तियां हैं, देवी शक्तियां जो कि राजाओं ने अपनी रानियों से बटवाई थी इस पूरी जनता को। तो यहां पर भी आपको रानियों का एक बहुत अच्छा सम्मान देखने को मिल रहा है कि रानियों का भी पूरा सम्मान किया जा रहा है। और देखिए ये 27 कचहरी के नाम से ये एरिया फेमस है, कचहरी मीन्स ऑफिस एरिया, और ये एक तोश खाना है, ये पूरा कमरा एक तोश खाना है जहाँ पर एक डिपार्टमेंट का क्लर्क बैठा करेगा और उनके मंत्रियों की तरफ से जो भी इनको आदेश मिलेंगे वो यहाँ पर लिखा करेंगे। ये वो पहला घर है जहाँ पर अब दस्तावेज तैयार किए जाने लगे, रिकॉर्ड मतलब पहली बार यहीं से चालू हुए कि दर्शकों को बाहर का नज़ारा भी दिखा सकते हैं। और जिस केसर क्यारी की मैं बात कर रहा था वो देखिए आपके सामने बनी हुई है। शाम को हर शाम को यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो की व्यवस्था भी होती है, वो देख रहे हैं चेयर्स रखी हुई है वहाँ पर, वहाँ दर्शक बैठते हैं और बहुत खूबसूरत लाइट एंड साउंड शो भी देखने को मिलता है। लेकिन इस झील में जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े मगरमच्छ भी रहते हैं, तो बिल्कुल भी आप देख सकते हैं कोई भी नहीं है, साइनास पूरी लगी हुई है चारों तरफ, किसी भी टूरिस्ट को अंदर नहीं जाने देंगे, उनकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। वाटर लिफ्टिंग की जो टेक्निक मैं आपको नीचे बता रहा था वो यहाँ से देखिए आपको कैसे वाटर टैंक्स बने हुए हैं जो कि पानी को लिफ्ट किया करते हैं, पानी को स्टोरेज करने के वो सिद्धांत जो हम नीचे देख रहे थे वही सिद्धांत हमें यहाँ देखने को मिलता है। जिस फ्लोर पर हम खड़े हैं बीनीथ ऑफ दिस फ्लोर देर आर वाटर टैंक, तो वो जब भी पानी बरसेगा उसे इकट्ठा करेंगे और बहुत लंबे समय तक भी अगर बारिश नहीं होती तो उनको पानी की कोई कमी नहीं है। राजा मानसिंह जी को एक बार मौका मिला टर्की जाने का और टर्की से एक ऐसी चीज वो ढूंढ लाए जो हमें आज भी यहाँ देखने को मिलेगी, आप मेरे साथ आइए। ये है हम्माम, ये अरबी भाषा के इस शब्द का इस्तेमाल स्नान घर के लिए किया जाता है। और यहाँ आप देखें बाहर बनी हुई है ये एक चिमनी, इस चिमनी में लकड़ियाँ जलती हैं, हाँ, और इस चिमनी के जस्ट पीछे बना हुआ है पानी का एक टैंक। यहाँ देख रहे हैं आप ये जो 2 खिड़कियाँ सी दिखाई दे रही हैं आपको नीचे, ये हवा आने के रास्ते हैं और यहाँ पर मोटी मोटी लकड़ियों के टुकड़े डाल दिए जाएंगे और वो बहुत तेज़ी जला करते थे और जस्ट इसके पीछे वो सारी हीट आकर के इस कैप नुमा आकृति में इकट्ठी होती है और जस्ट इसके पीछे बना है पानी का टैंक जहाँ पर वो पानी को बॉयल करते थे। आप अंदर आइए। राजा मानसिंह जी टर्की पहुँचे तो वहाँ के लोगों को देख करके, राजाओं को देख करके, राज परिवार को देख करके बड़े आश्चर्य में रहे कि इतने खूबसूरत यहाँ के लोग हैं। तो उन्हें पता चला कि ये सारी खूबसूरती जो है ये देन है हकीम साहब की। हकीम साहब की इसमें ऐसी क्या चीज़ जानते हैं, राजा मानसिंह ने जो पता करना चाहा तो उन्हें पता लगा कि हकीम साहब एक विशेष प्रकार का तेल बनाते हैं मिनरल्स की सहायता से। मिनरल्स में बहुत शक्तियां होती हैं, आज देख लीजिए बड़ी बड़ी कारें, बड़ी बड़ी बसें, बड़े स्कूटर वगैरह सब मिनरल की शक्तियों से दौड़ रहे हैं। यदि ये मिनरल शरीर में पहुंच जाए तो शरीर का जो ब्लड है वो भी बहुत तेजी से दौड़ेगा और जब बहुत गर्मी अंदर पैदा होगी क्योंकि वो दौड़ रहा है तो पसीने की सहायता से आपके शरीर में जो पानी फैट के रूप में जमा हो चुका है वो पिघल करके बाहर निकल के आएगा और आपके शरीर का जो ब्लड है वो आपके त्वचा पर चमकने लग जाएगा, बिल्कुल एकदम
गोरे गट्टे आप दिखने लग जाएंगे। तो ये वो कमरा था जहाँ राजा की या जो उनके साथी थे उनकी जिनको भी मसाज करवानी है उनकी पूरी मसाज की जाती थी। जो उनका मसाज करने का रूम है जहाँ पर वो मेडिकेटेड ऑयल जिसमें मिनरल्स की शक्तियां भरी हुई हैं उनसे मसाज की जाती थी। तो जिसकी भी मसाज कर रहे हैं करीब 2 घंटे तक की मसाज चलेगी तो पूरा शरीर जो था भर जाता था एक ऐसी एनर्जी से जहाँ पूरे शरीर का जो फैट है वो पिघल पिघल के पसीने के रूप में सारा बाहर निकल जाया करता था। मैंने आपको बताया था कि पीछे जस्ट पानी का टैंक बना हुआ है, तो ये पानी का टैंक वही है जहाँ पर पानी को बॉयल किया जाएगा और यहाँ से जो स्टीम निकल के आएगी वो स्टीम सारी आकर के यहाँ देख रहे हैं ऊपर छत के ऊपर एक विशेष डिजाइन बनी हुई है यहाँ पर छप जाएगी। और हर देखिए आपको बहुत सारे एजेस दिखाई दे रहे हैं, एक डायमंड कटिंग के अनुसार इसको बनाया गया है और हर एज से अब पानी टिप टिप करके यहाँ पर बरसने लगेगा। यदि यहाँ बिखेर दी जाए आपकी जड़ी बूटियाँ जैसे केसर है, पीटल्स हैं, सैफ्रॉन है, चंदन है, तो उनका जो जूस है वो भी उस गुनगुने पानी के साथ में निकल के आएगा और इस छोटे से नाली की सहायता से छोटे से पानी के टैंक में आकर के भर जाएगा। सुबह सुबह की जो मॉर्निंग वॉक होती है ये हमें अमृत की शक्तियों से भर देती है। सुबह सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच की जो ठंड है वो भी अब इस पानी में मिलने लग जाएगी क्योंकि इस समय तक वो जो भट्टी है वो काम करना बंद कर देगी, सारी लकड़ियाँ जल चुकी होंगी तो इसमें समाहित हो जाएंगी सुबह सुबह गिरने वाली वो अमृत की शक्तियाँ और इसे भर देंगी बहुत बड़ी एनर्जी से। तो वो राजा या वो रानी या वो बच्चे जिनकी मसाज की गई थी उन्हें यहाँ ला करके बिठा दिया जाएगा और उनका क्योंकि शरीर जो था पूरा भभक रहा था एक बहुत बड़ी गर्मी से जिसे अब आवश्यकता है एक पीस की, एक शांति की। तो वो जब यहाँ आके बैठेंगे इस जड़ी बूटियों के पानी में तो 4 कन्या माताएं यहाँ बैठेंगी और लोटों से जो तांबे के या जस्ते के लोटे हैं उनसे उनके ऊपर पानी उड़ेलती रहेंगी तो उनके शरीर को एक ऐसी एनर्जी मिलेगी जिससे वो खिल उठेंगे एकदम गुलाब की फूल की तरह से। राजा ने इस किले को जब बनाया तो 99 टॉयलेट्स भी बनाए, उनमें से एक टॉयलेट ये बना हुआ है लेकिन टूरिस्ट अंदर जाता था और पता नहीं क्या क्या लिख जाता था तो गवर्नमेंट परेशान हो गई और इन्होंने इसको बंद ही कर दिया। आपको जो डिजाइनें दिखाई दे रही हैं ये सारे टर्किश डिजाइन हैं और ये ओरिजिनल रियल जैम स्टोन कलर से बनाई गई है। इसमें एमरल्ड है वो ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है, ब्लू लैपिस लाजुली को, ब्राउन स्मोकी टोपाज को। अंदर भी आपको बहुत सारी पेंटिंग दिखाई देंगी जिनके चारों तरफ रियल गोल्ड भी लगा हुआ है। वो आपको देखने को मिलेगा एक वो द्वार या गेट जो कि पूरी दुनिया में फेमस है क्योंकि वे मुगल कलाकार शाहजहां ने बनवाया था, बनाया किसने था, उस्ताद अहमद लाहौरी ने जो ईरान से आए थे और ईसा खान ने जो टर्की से आए। लेकिन ताजमहल मुगल काल की पहली खूबसूरत बिल्डिंग बिल्कुल नहीं है, उससे पहले दोनों लाल किले बन चुके हैं, फतेहपुर सीकरी बन चुका है, हुमायूं टॉम्ब बन चुका है, अकबर का मकबरा। तो वे कलाकार जो पीढ़ियों पहले हुमायूं अपने साथ लाए थे, जो पीढ़ियों से मुगलों की सेवा कर रहे थे, वे भड़क गए कि बादशाह शाहजहां आज जब आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन चुके हो, आपके पास इतना खजाना है जिसे गिनने के लिए कितने जीरो लगते हैं ये नंबर भी आपके क्लर्क्स को नहीं आते हैं, उस समय आपने हमें मौका ना दे करके इन दो कलाकारों को बुलवा लिया। तो बहुत बड़ा विरोध चल रहा था, विरोधाभास चल रहा था जिसमें एक धमकी सी भी दे दी गई थी शाहजहां को कि ताजमहल नहीं बनेगा। डर गए शाहजहां, रातों रात बुलवाया गया आमेर के राजा जयसिंह जी को। महाराज जयसिंह जी भी पहुंचे और महाराज जयसिंह जी को जब ये बात बताई, महाराज जयसिंह जी मानसिंह जी के ग्रेट ग्रैंडसन है, जब इनको ये बात बताई गई तो इनके भी बहुत बुरी तरह से टेंशन हो गई। हिंदू राजा की टेंशन क्यों हो गई जब उनको ये पता लगा कि ताजमहल तो नहीं बनने वाला। अभी जयपुर राज परिवार ने वो सारे एविडेंस दिखा दिए कि हमारे ये मंदिर की जमीन थी जिसे हमारे महाराज ने कुर्बान कर दिया था ताजमहल के लिए। महाराज जयसिंह कहते हैं कि अगर ताजमहल नहीं बनता है तो मैं और मेरा परिवार किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे क्योंकि मंदिर भी कुर्बान और ताजमहल भी नहीं बना। तो ये समस्या हो गई थी महाराज जयसिंह जी की। तो महाराज जयसिंह ने कहा कि बादशाह आप आराम करो, मैं संभालता हूं, और उन्होंने राजपूत सैनिक दौड़ाए मुगल कलाकारों के बीच में। तो सारे मुगल कलाकार डर के गिन महाराज जयसिंह के सामने पहुंचे कि महाराज जयसिंह बताइए आप तो यहाँ इस देश के स्थानीय निवासी, अब हमारी समस्याओं का समाधान जब हमारा बादशाह नहीं कर रहा है तो आप करें। तो महाराज जयसिंह ने कहा कि ठीक है मैं तुमको वचन देता हूँ कि ताजमहल तुम ही बनाओगे लेकिन कुछ ऐसा करके मुझे मेरे घर में दिखा दो जो कि बिल्कुल नायाब हो।
वे मुगल कलाकार जोश ही जोश में यहाँ तो पहुंच गए, लेकिन जब वो यहाँ पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि भाई हवा के अंदर घर बनाना तो हमको भी नहीं आता। अब जो कुछ भी हम दे सकते थे कई पीढ़ियों से हम मुगलों को दे चुके हैं, अब समय आ चुका है कुछ नए कलाकारों का, तो वो अपना काम करेंगे। लेकिन जब हिंदू राजा ने हमें मौका दिया है तो हम भी इसके घर को भर देंगे उस सुंदरता से जो कभी अपने साथ हम ईरान से लाए थे, और उसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल उन्होंने इस गेट पर दिखाया। क्योंकि वे मुगल कलाकार जो यहाँ पहुंचे वो सब पर्शियन थे, उन सबको तरीके भी वही आते हैं जो उनको उन्होंने अपनाए थे। देखिए पूरा का पूरा जो आप ये गेट देख रहे हैं ये पूरा एक मुगल तरीके से बना हुआ। 1, 2, 3, 4 आपको एल्कोव दिखाई दे रहे हैं, पेंटिंग्स भी आप देख रहे हैं, फूलों के गुलदस्ते हैं, बेल बूटेदार डिजाइन है। पहली बार इन कलाकारों ने इस घर में मार्बल को भी मंगवाया। वहां देख रहे हैं सर मार्बल को कितना खूबसूरत से चीजल करके झरोके बनाए और फ्लोर पे भी लगाया। इसी समय से मार्बल को एक बड़ी इंडस्ट्री का रूप मिला और ये बहुत सफल इंडस्ट्री बनी। बताते हैं कि कलर जो है ये सब 400 साल पुराने कलर हैं। फूलों को, फलों को, सब्जियों को सड़ा गला कर इन्हें बनाया जाता है। ग्रीन तो बनता है मेथी, पालक, बथुआ, आम के पेड़ की हरी पत्तियों से, लाल बनता है ना गन्ने के रस से, पीला नींबू के छिलके से, सूरजमुखी के फूल से। और देख लीजिए 400 साल पुरानी वो पेंटिंग्स आज भी यहाँ पर बिल्कुल उसी स्थिति में यथावत चमक रही है। टेक्सटाइल शॉपिंग के लिए जयपुर का नाम दुनिया में फेमस है। यहाँ की रजाइयाँ हैं, बांधनी साड़ी, लहरिया साड़ी, उसे खरीदने दुनिया आती है यहाँ पर। लेकिन वे हिंदू राजा, वे हिंदू परिवार जो इस घर में मौजूद थे, लेकिन भड़क गए कि आपने हमारे ही हिंदू घर को पूरा मुस्लिम कन्वर्ट कर दिया, जबकि राजा जयसिंह तो आपको संरक्षण दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई बताइए अब आप हमारी मदद कीजिए कि हम क्या करें। तब उन्हें समझाया गया कि यहाँ पर एक गणेश जी बनाओ तो ये हिंदू घर बन जाएगा। अब ईरानी कलाकार उनको समझाया जो गया, उन्होंने अपनी समझ से देखिए इस गेट के बीचों बीच गणेश जी भी बनाए। देख रहे हैं बीचों बीच गणेश जी बने हुए हैं, लेकिन इस गणेश जी में हमें वो सुंदरता देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती जो मोस्टली हमें हिंदू टेम्पल्स में देखने को मिलती है। डेफिनेटली है कि वो कलाकार कोई हिंदू तो थे नहीं, जो उनको आता है जो समझ में आया उन्होंने वैसा अपनाया। देख रहे हैं इनका मुकुट जैसे कोई ताज पहना दिया, पूरी बॉडी को नीला कर दिया, नीचे बैठा दिया। कैसे पता लगे तो उन्होंने 2 गुलदस्ते भी बनाए। और टूरिस्ट इन सीढ़ियों पर बैठ करके और इस गेट के साथ में फोटो खिंचवाने का आनंद लेता है, क्योंकि बहुत खूबसूरत एक फोटो देती है आपको। इस प्रकार से हम धीरे धीरे सिद्धांतों को सीखेंगे, क्योंकि कभी हमारे पुराने पूर्वजों ने अपनाया कि वेजिटेबल कलर की शक्तियां केमिकल की शक्तियों से भी बहुत बड़ी होती है। आज दुनिया केमिकल केमिकल के पीछे भाग रही है, लेकिन वो देखो 400 साल पुरानी पेंटिंग आपके सामने एविडेंस के रूप में खड़ी है कि हमारा जो वेजिटेबल पावर है वो बहुत ज्यादा। अजंता अलोरा की गुफाओं के अंदर आप चले जाएं तो वहां पर जो आपको पेंटिंग देखने को मिलती है तो उसके और भी सटीक एग्जांपल है। थोड़ी आज भीड़ ज्यादा है तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी आवाज पूरी रिकॉर्ड हो जाए। मुगल कलाकार जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई राजा हिंदू होकर के हमें मौका दे रहा है तो हम भी इसके घर को भर देंगे ग्रह नक्षत्रों की शक्ति। पहली बार जब उन्होंने इस घर में मार्बल जो मंगवाया था उस मार्बल को काम में लेकर के उन्होंने इस महल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाया। जहां कहीं भी मार्बल लगा उससे बिल्डिंग को बना दिया और जो मार्बल बना बचा उसे नीचे सजा दिया। देख रहे हैं एक ऑक्टागोनल शेप में ये पूरा ये कमरा बना हुआ है, ऑक्टागोनल शेप में है। यहाँ देख रहे हैं एक एल्कोव यहाँ बना हुआ है, एक एल्कोव वहाँ। इस गेट का डिजाइन देखिए आप, पूरा मुस्लिम तरीके से बना है। एक एल्कोव यहाँ। अब उन्होंने महंगे महंगे रत्न मंगवाए, जेम्स स्टोन, और जेम्स स्टोन को घिस घिस करके उनके कलर से देखिए सारी पेंटिंग कर रहा हूँ। ग्रीन तो बनता है एमरल्ड से, ब्लू बनता है आपका लैपिस लाजुली से, ब्राउन देख रहे हैं ये स्मोकी टोपाज है, क्योंकि जेम्स की डिजायर होती है कि उसे सोने में सजाया जाए। तो उन्होंने रियल गोल्ड भी इन जेम्स स्टोन की पेंटिंग के चारों तरफ लगा दिया। आप यहाँ से बैठ के देखिए आपको कहीं चमकता हुआ सोना जरूर दिखाई देगा। यहाँ से देखिए देखो ये चमक रहा। और दूसरी क्या व्यवस्था करी, यहाँ देखिए नीचे आपको एक सितारा दिखाई दे रहा है। सितारा हर तारा नहीं होता, सितारा कोई एक विशेष स्टार होता है और ये उपाधि होती है किसी को दी जाने वाली। उन्होंने एक सितारा यहाँ बनाया हुआ है, देख रहे हैं आप सितारा, ये बहुत ही खूबसूरत एक प्लेनेट है या कह सकते हैं स्टार है, जो कि बिल्कुल सुंदर तरीके से चमकता है जैसे आपका बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है। ये सितारा क्या कर रहा है, लगातार इन शक्तियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है जो कि जेम्स स्टोन की। तो जो भी व्यक्ति यहाँ से या टूरिस्ट जो भी यहाँ से गुजरते हैं उनके ऊपर ये शक्तियाँ बरसती हैं एक बारिश के रूप में, और ये शक्तियाँ वो अपने साथ अपने घरों तक लेके जाते हैं। आइए मेरे साथ। वैसी ही एक और पेंटिंग भी आपको देख लीजिए यहाँ देखने को मिलेगी, बड़ी खूबसूरती से पूरा रियल गोल्ड और जेम्स स्टोन कलर की सहायता से बनाया गया।
और देख रहे ये जो झरोके इनकी डिजाइन आप देखिए, ये हैंडमेड हैं ये सारे के सारे, बहुत खूबसूरत तरीके से इनको क्राफ्ट किया गया है। फिर और देखिए एक झरोका कितना खूबसूरत तरीके से क्राफ्ट करके बनाया उन्होंने। तो ये मुगल कलाकार जब इस हिंदू घर में पहुंचे इस घर को सजाने के लिए, तो उन्होंने निश्चय कर रखा है कि अब इस घर को वे भर देंगे मार्बल की खूबसूरती से। और देखिए इधर आइए सर, ये पूरा का पूरा जो घर आपको देखने को मिल रहा है ये पूरा बना हुआ है मार्बल की खूबसूरती के साथ में। सामने बना हुआ है जय मंदिर, यहाँ बना हुआ है सुख मंदिर, बीच में बना हुआ एक मुगल गार्डन, और यहाँ देखें सर कि जो आपको पेंटिंग्स यहाँ दीवारों पर दिखाई दे रही हैं ये भी सब मुगल पेंटिंग्स हैं। इनमें भी रियल कलर्स कभी भरे हुए थे जेम्स स्टोन पे, लेकिन औरंगजेब ने धमकी दे दी थी महाराज जयसिंह जी को, तो महाराज जयसिंह जी को इनको हटवाना पड़ा था। अभी रतलाम के राजा हैं पुष्पेंद्र सिंह जी, वे स्वयं आए थे और उन्होंने अपने हाथों से ये कलर भरे हैं। ये किसी आर्टिस्ट का काम नहीं है, खुद राजा यहाँ घंटों बैठ करके पेंटिंग किया करते थे। ये राजा का हैंडवर्क है जो कि आज भी जीवित अवस्था के अंदर हमें यहाँ देखने को मिलता है। रानियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती थी कब, जब त्योहार आते थे, क्योंकि रानी को मैंने आपको बताया था कि देवी मानते हैं, तो देवी को लाद दिया जाता था भारी भरकम ज्वेलरी से, भारी भरकम कपड़ों से, और कहते थे घूमते रहो दिन भर इस घर में, जहाँ जहाँ पर भी देवी घूमती रहेगी वो एरिया अपने आप ही पावरफुल बन जाएगी। अब वो पतली दुबली रानी कितना चल पाएंगी, तो उनके कंफर्ट के लिए ये चेयर बनाई गई, ये पूरी सैंडलवुड से बनाई गई है। रानी को इन पर बिठाया जाएगा और दो लड़कियां इनको धकेल धकेल कर पूरे महल में घुमाएंगी। ये रानी की चेयर है। जो आपको सामने दीवार दिखाई दे रही है, इस दीवार के पीछे बनाया उन्होंने एक पानी का टैंक, सर्वेंट गर्मियों में वहां पानी भर देंगे। और वहां देख रहे हैं मार्बल लगा हुआ है, इस मार्बल पर एक ऐसी डिजाइन को बनाया जब पानी बहता है वहां से, तो पानी डिजाइन से टकराकर बूंदों के रूप में हवा में उछलने लग जाए। इसके चारों तरफ बने हैं छोटे छोटे से छेद, गर्मियों में जब मई जून के महीने आते हैं बहुत गर्म हवा उनसे बह करके आती है और उछलते हुए तेजी से उछल रहे पानी की बूंदों से टकराती है और बिल्कुल एकदम ठंडा हो जाता है, और लगता है जैसे पानी के फुहार के साथ ठंडी हवा यहाँ पर आ रही। ऊपर देखिए चार कुंडियां देखने को मिलेंगी, इन कुंडियों से लटकाएंगे एक झूला जिस पर रानी आराम से बैठेंगी और गर्मी के मौसम में ठंडी हवा का आनंद लेंगी और खूब तारीफ करेंगे कि वाह भाई वाह कलाकार, तुमने हमको कश्मीर पहुंचा दिया। और यहाँ देखिए अपने पांव भी छप छप लहराएंगे झूले में जो बैठी रानियां, ये सुंदर सी कैनाल भी बनी हुई है यहाँ पर। सभी टूरिस्ट का यही आंसर आता है कि मुजरा तो डांस होता है। तब मैं उन्हें बताता हूँ कि शाहजहां लाहौर गए थे अपनी माँ को मुजरा पेश करने के लिए। शाहजहां ने खुद जाकर अपनी माँ को मुजरा पेश किया था, तो टूरिस्ट बड़ा आश्चर्य करता है भाई ये मुजरा होता क्या है। तब मैं बताता हूँ कि मुजरा एक सलाम करने का तरीका है जहाँ हमें सर झुकाकर तीन बार हाथों को हिला के सलाम करना पड़ता है। इसे लड़कियां डांस के दौरान चुपके से बैठे हुए मेहमानों के सामने आकर के पेश करके जाया करती थी। अगर मेहमान पहचान जाएगा तत्काल कोई ना कोई गिफ्ट निकाल के दे देगा, वरना उस पर लड़की का एहसान चढ़ जाए। कालीन, मुगल ही वे कलाकार थे, या मुगल ही कह दें कि वे रूलर्स थे जो पहली बार अपने घर में बहुत खूबसूरत कालीन बनाने की टेक्निक ईरान और तुर्की से लाए। लेकिन 22 साल का वो पीरियड जब ताजमहल को बनाया जा रहा था तो कालीन बनाने का काम पूरा ठप हो चुका है, क्योंकि सबका ध्यान तो मकबरे पर लगा हुआ है। तो वे कलाकार जो इस घर को सजा रहे हैं उन्होंने निश्चय कर रखा है कि वे भी इस घर को देंगे एक जन्नत का बगीचा। लेकिन जन्नत का बगीचा हिंदू घर के बिल्कुल बीच में ना बन जाए, मतलब ओपन के अंदर राजा का मजाक ना बन जाए कि राजा आपने हिंदू होकर अपने घर में जन्नत क्यों बनवाई। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, हम इसे देंगे लेकिन छुपा करके। तो उन्होंने कालीन बनाने वाले कलाकारों को यहाँ बुलवाया, वो बहुत सारी डिजाइन लाए, और देखिए एक डिजाइन को पसंद करके इस गेट पर यहाँ बनवाया गया। ये पूरा गेट बना हुआ है चंदन की लकड़ी से और इसे सजाया गया है हाथी दांत से, लेकिन अब ये काफी उखड़ चुका है, पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर गवर्नमेंट ने इसकी रक्षा के लिए यहाँ पर एक गेट लगा दिया। इस डिजाइन का एक छोटा सा भाग, केवल उन्होंने इतना सा भाग काम में लिया और इस छोटे से भाग को देखिए बिल्कुल डिजाइन को यहाँ पर उतार दिया। ये कालीन आज भी जिंदा है और दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है। देख रहे हैं डिजाइन, ये कालीन वही चार बाग है जन्नत का बगीचा। देखिए बीचों बीच एक पाउंड है, 1 2 3 4 ये बगीचे हैं, और लेकिन कोई पहचान नहीं सकता क्योंकि डेकोरेटेड है। वहां देख रहे हैं आपको जो दो गुंबद दिखाई दे रहे हैं वो पानी के टैंक हैं। सर्वेंट वहां पानी भरा करेंगे, वहां से पाइपलाइन आती है और बीचों बीच फाउंटेन चलते हैं, चारों तरफ पानी बहता। देख रहे हैं आपस में जो ये क्यारियां हैं एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है, एक क्यारी से दूसरी क्यारी में से करके पूरा पानी फैलता चला जाएगा और यहाँ पर फाउंटेन चलेंगे, तो ये भी कितनी भी गर्मी क्यों ना हो उसे 15
इससे 20 डिग्री ठंडा कर देगा आधे घंटे, इसीलिए इसे जन्नत का बगीचा कहते हैं। एक छोटा सा हम राउंड लगा के ऊपर भी आते हैं, थोड़ा सा आपके दर्शकों को देखने को मिलेगा कि आमेर की क्या खूबसूरतियां हैं। आइए मेरे साथ, तहखाने हैं, ये तहखाने हैं ताकि मुसीबत आ जाए तो इनको छुपा दिया जाए, यहाँ के परिवार को नीचे चले जाते हैं ये। को बता रहा था कि आमेर के राजपूत राजाओं ने रानियों को एक देवी शक्ति के रूप में माना कि हम उस रास्ते से भी नहीं गुजर सकते जहां पर ये देवियां चलती, तो रानियों के लिए ये पृथक रास्ता है जहां से रानियां अंदर बाहर आया जाया करती थी। इन रानियों की परमिशन के बिना खुद राजा भी इस रास्ते से नहीं आ जा सकते थे। ये क्वार्टर्स हैं जहां पर लेडी सर्वेंट्स वगैरह सब रहा करती थी। पीछे आप दिखा सकते हैं पहाड़ों के ऊपर, ये जैगर पोर्ट है, ये ट्रेजरी थी आमेर के राजाओं की, जहां पर वो सारा अपना खजाना जो भी जीत के लाते थे वो यहां रखा करते थे। और इसी किले में विश्व की सबसे बड़ी तोप जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा हुआ है वो भी वहीं पर रखी हुई है। एक बहुत विशेष कमरा है जहां हम देखने को मिलेंगे आपको जो ये चार रिंग्स दिखाई दे रहे हैं, इन चार रिंग्स की सहायता से यहां पर एक छोटा सा लटकाया जाएगा एक सोफा जिसके ऊपर ठाकुर जी को बिठा दिया जाता था झूले के अंदर। अब देखिए टूरिस्ट अपनी जो प्रेम कहानियां हैं वो इन 400 साल पुरानी दीवारों पर लिख जाते हैं, बताइए इससे पूरा का पूरा एक किला कैसे खराब होता जा रहा है। तो टूरिस्ट को मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि ऐसी गलतियां ना करें, क्योंकि इन किलों महलों से हमारा रोजगार भी चलता है, जब तक ये जीवित रहेंगे तो हम भी जीवित रह पाएंगे। और जो मैं आपको बता रहा था कि विशेष एरिया है, वहां देख रहे हैं सामने वो कमरा था, बताया था मैंने कि वहां ठाकुर जी को पालकी में झूला झूलते बिठाया जाएगा और यहाँ रानियां उनके सामने बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया करेंगी कृष्ण भगवान के सामने। यहाँ पर म्यूजिशियन बैठा करते थे, बहुत अच्छा यहाँ पर संगीत बजता था, भजन होते थे, ये रात को पूरा भजन करने का कमरा है। बिल्कुल क्लियर तरीके से वो जो जन्नत का बगीचा है अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं। और ये सबसे खूबसूरत वो जगह है जहाँ रानियां बहुत खुश हुआ करती थी आकर के, क्योंकि यहाँ पर बैठ कर के वो राजा का वेलकम करेंगी जब राजा कभी भी युद्ध को जीत के आएंगे। वो देख रहे हैं खिड़की बनी हुई है वहां पर, वहां से फूल बरसाए जाएंगे राजा के ऊपर और उनको वेलकम किया जाएगा। और बड़ी खूबसूरती से देखिए मार्बल की जालियां बनी हुई है, जालियों में बहुत सुंदर कारीगरी की हुई है उस समय जब हमारे पास में कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे, केवल हैमर और चिजल के अलावा। यहाँ देख रहे हैं आपको एक बहुत खूबसूरत एक फ्लावर दिखाई दे रहा है और आप वहां देखिए एक स्टार आपको दिखाई देगा, देख रहे हैं स्टार बना हुआ है। और यहाँ देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर ये डिजाइन बनाई गई है। छत भी दिखाइए और वहां देखिए सामने आपको एक छतरी दिखाई दे रही है, ये हिंदू संस्कृति की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। ये एक कमल का फूल है, देख रहे हैं कमल का फूल ये उल्टा रखा हुआ है और कमल पर कौन विराजित होती है, लक्ष्मी जी। हम तो इस कमल के फूल के अंदर जो भी जाके बैठेगा उसे लक्ष्मी जी का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। और राजा यहाँ बैठ करके अपनी पब्लिक को ऑब्जर्व किया करते, राजा रानी तो पब्लिक को भी बहुत बड़ा वो आशीर्वाद दिया करते। यूरोपियंस चाहते थे कि उन्हें साउथ एशिया के बाजारों पर एकाधिकार यानी मोनोपोली मिले, और ये मोनोपोली मिल सकती है कब, केवल यहाँ के बादशाह से जो उस समय शाहजहां थे। और शाहजहां से मोनोपोली हासिल करना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि अगर एक बार शाहजहां ने मना कर दिया तो दोबारा कोई मौका नहीं मिलने वाला। तो इन्होंने साउथ एशिया के राजाओं को खुश करना चालू कर दिया गिफ्ट दे देकर, क्योंकि वो उनसे सुरक्षा भी तो हासिल कर रहे थे उनकी सेनाओं को किराए पे लेकर के। और इन्होंने जब गिफ्ट प्रेजेंट की साउथ एशिया के राजाओं को तो वो डर गए, वो कहने लग गए कि अगर हमने ये सभी गिफ्ट अपना ली, क्योंकि वो एक बार गिफ्ट ले आए थे बेल्जियम के ग्लास, मिरर ऑफ बेल्जियम, जो कि पहली बार साउथ एशिया में आया था, तो वो साउथ एशिया के राजा सब डर गए कि अगर हमने इस ग्लास को काम में ले लिया तो शाहजहां हमें पूरा बर्बाद कर देगा, क्योंकि पिछली बार जब हमने टाइम पर टैक्स नहीं चुकाया था तो हमको लूट के ले गया था और हमारे पास बिल्कुल कुछ भी खाना खाने लायक भी पैसे नहीं छोड़े थे। तो ये कहते हैं कि तुम्हारे ग्लास को खुद ही लेकर के जाओ, हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। और ये यूरोपियन पहुंचे शाहजहां के पास में, शाहजहां ने ग्लास रखवा ली, लेकिन शाहजहां ग्लास को काम में ले पाते उससे पहले मर गई मुमताज और शाहजहां बिजी हो गए मकबरे को बनाने में। मकबरे को बनते 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 लग गए 22 साल और इन 22 सालों में वो ग्लास कहां भुला दिया गया पता ही नहीं लगा। चार बेटे हैं शाहजहां के, औरंगजेब, दारा शिको, शुजा और मुराद। ये चारों के चारों नाराज कि बादशाह बेगम हमारे भी हैं,
अगर भविष्य में हम अपनी बेगम की याद में इतने बड़े बड़े मकबरे नहीं बनवा पाए तो दुनिया हमारा मजाक बनाएगी। तो ऐसे एग्जाम्पल मत दो, वो इस काम को बंद करवाना चाहते थे, लेकिन महाराज जयसिंह जी आमेर वाले इस काम को किसी कीमत पर भी बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी कुर्बानी वहां लग चुकी थी। लेकिन वो ये जानते हैं कि शाहजहां कला प्रेमी हैं, कभी ना कभी ग्लास को रिमेम्बर करेंगे, कहीं ना कहीं काम में लेंगे और इनकी हत्या हो जाएगी। इनकी अगर हत्या हो गई तो भविष्य में ताजमहल को कौन पूरा करवाएगा? तो उन्होंने रातों रात इस मुसीबत को हटवा करके और आमेर भिजवा दिया कि इसे निकालो यहाँ से। लेकिन ये मुगल कलाकार जो इस महल को बना रहे थे, वो समझ बैठे कि राजा ने भिजवाया है काम में लेने के लिए। तब ये बड़े परेशान कि भाई हम कैसे काम में लें, क्योंकि ये ईरानी कलाकार, ये ग्लास था बेल्जियम का। तब फिर से दोबारा से इनकी मदद करी उन कालीन बनाने वाले कलाकारों ने, जो बहुत सारी कालीन डिजाइन लाए थे। कहा कि भाई आप हमारी डिजाइनों को देखते जाओ और इन डिजाइनों के अनुसार इस ग्लास को दीवारों में चिपका दो। और उन्होंने वैसा ही किया और सजा दिया इस पूरी बिल्डिंग को। और उनके उसी काम से जो ये बिल्डिंग है आज पूरी दुनिया भर में फेमस है। तीन नामों से बिल्डिंग जानी जाती है। पहला नाम है इसका जय मंदिर, क्योंकि महाराज जयसिंह जी ने बनवाया। दूसरा नाम दीवाने खास, राजा खास लोगों से मंत्रणा करेंगे। और तीसरा नाम शीश महल। देख रहे हैं आपको जो सामने दीवारें दिख रही है, सबसे पहले लगाया इन पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, और फिर देख रहे हैं वो ग्लास जो आया था उसको उन्होंने चिपका दिया। वैसे आपको दिख रहा है फ्लावर फ्लास्क है, वाइन बॉटल है, बाउल जार। आइए अंदर से देखिए, कोई चीज और देखने को मिलेगी कि जो ये मार्बल है इनके अंदर देखिए छेद बने हुए हैं, तो यहाँ से रस्सा डाल दिया जाएगा और उस रस्से से लटकाए जाएंगे मोटे मोटे कारपेट्स। तो अंदर छाएगा अंधेरा, और अंधेरे में जब दीपक जलाए जाएंगे तो उनसे जो रोशनी निकलेगी इन ग्लास में इतना टिमटिमाएगी, लगेगा कि लाखों तारे टिमटिमा रहे हैं। अगर आपने एक मूवी देखी हो, मुगले आजम, जहाँ प्यार किया तो डरना का जो गाना था, जो फिल्म आया गया था, वो एक नकली शीश महल बना था औरंगाबाद में, जिसे 2006 में ही तोड़ा गया था, वो इसी को देख करके बनाया गया। अब इन कलाकारों ने देखी बहुत ही शिद्दत के साथ में इन पत्थरों को यहाँ पर सजा सजा के देखिए लगा रखा, और देख रहे हैं कितना खूबसूरत तरीके से ब्लैक स्टोन को उन्होंने हाथों से तराश करके एक पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, उनके रूप में यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा एक दूसरे के अंदर इंसर्ट भी किया हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कि बनी बनाई डिजाइन थी, कभी जमीन में से निकल के आई होंगी और उन्होंने केवल लाके यहाँ पर सजाया है। और जब आप देखते हैं तो ये एक प्रकार का पौधा है जो अस्तित्व में ही नहीं होता, ये केवल इमेजिन करके बनाया उन्होंने। और जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर क्रिएचर्स भी दिखाई देंगे। जैसे देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पर ये जो स्नेक होते हैं उनके हेड आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक जो हाथी की मछली की पूंछ होती है वो दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक हाथी की सूंड दिखाई दे रही है। ये आपके ईयर्स दिखा रहे हैं। स्नेल है यहाँ पर, एक छोटी सी बी है। इस प्रकार से उन्होंने डिजाइनें भी बनाई यहाँ पर। देखिए कितना खूबसूरत तरीके से उन्होंने वो कालीन डिजाइनों को देख देख करके पूरी इस बिल्डिंग को सजा दिया। देख रहे हैं लंबा सा कालीन बिछा हुआ है छत के ऊपर, यहाँ नीचे भी कालीन रहेंगे, रात को जलाएंगे दीपक से निकलने वाली सुनहरी रोशनी और रेड कलर का जो कालीन है बिल्कुल यहाँ पर सुंदर सी इमेजेस पैदा करता था, जिनके बीच में राजा रानी सर्दियों में रहा करते थे। फिर से वही विंडो वाले सिद्धांत आपको देख रहे हैं, ये ऊपर देख रही हैं, ये ध्रुव तारे के दर्शन है। यहाँ से दीपक जलेंगे जिनमें सीसम ऑयल यानी तिल के तेल का दीपक जलेगा, और रानियां इस रोशनी के अंदर, जैसे दीपावली की जो रात भी होती है सबसे काली रात होती है, यहाँ पूरा घूमा करती थी, जिन पर ध्रुव का ध्यान आकर्षित होगा। ध्रुव की शक्तियां हासिल करना एक सबसे कठिन कार्य होता है, क्योंकि ध्रुव का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो वो ध्रुव की शक्तियों को यहाँ से आकर्षित किया करती थी, क्योंकि रानियां कहती थी हमको राजा को भी तो शक्तियां देनी है, तो अपने आप को भी शक्तिशाली बनाया करती थी। इस प्रकार से वे कमरे जो राजा मानसिंह जी की रानियों के थे, ये राजा मानसिंह जी की रानी थे जो बंगाल से आए थे, उनका कमरा है ये, बड़ा सा कमरा है। पहले ये रानियों का एरिया था, किसी के पैर रखने की भी हिम्मत नहीं हुआ करती थी यहाँ, तो यहाँ पर गेट नहीं हुआ करते थे, केवल बाहर पर्दे लगाए जाते थे। कि अब कलयुग का समय आ चुका है, और कलयुग की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है काली माता। काली माता की पूजा बंगाल में होती है, राजा बंगाल को जीतते हैं, वहां से काली माता भी लेके आते हैं, जो बताया था ना मैंने आपको, मंदिर बना हुआ है बाहर। और यहाँ के जो रानी थे वो पूजा पाठ किया करते थे उनका। ये सुबह 4 बजे यहाँ स्नान करेंगे, स्नान करके राजा को जगाएंगे यहाँ से, और उस कमरे में काली माता की पूजा करवाते थे, क्योंकि ये देवी देवताओं की शक्तियों में राजा पूरा विश्वास करते हैं कि उनके आशीर्वाद से ही हम युद्धों को जीत पाते हैं, वरना 141 लड़ाइयों तक जीवित रहना कोई आसान काम नहीं है। इस एरिया को तो आप भली भांति पहचानते होंगे, मूवी जोधा अकबर में भी दिखाया है, जहाँ पर ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या लड़ते हैं तलवार से।
ये वही कमरा है जहाँ पर उनका पूरा स्टेज बना करके और बनाया था। ये सबसे पहला वो फ्लोर जिसके नीचे पहला पानी का टैंक बना, क्योंकि राजपूतों ने सीखा था मुगलों से कि मुगल महिलाओं की रक्षा के लिए यूनुक्स को काम में लिया करते थे, तो वही टेक्निक इन्होंने भी अपनाई। देख रहे हैं छतरियां बनी है, इनमें यूनुक्स को रखा जाएगा और यूनुक्स ही रानी को लेकर के राजा से मिलवाने के लिए उस कमरे में जाते थे और वही रानी की सुरक्षा गार्ड भी हुआ करते थे। जो मैं आपको बता रहा था कि रानियों को विशेष सम्मान मिलता है, उनको पृथक रास्ता मिलता है, वही रास्ते से हम भी बाहर निकलेंगे। जैसे ही दीपावली गई और अब जो मकर संक्रांति आ रही है, इसके बीच का जो ये समय है ये सबसे ज्यादा पावरफुल समय है, क्योंकि दीपावली के अगले ही दिन से जो सूर्य नारायण है वो उत्तरी दिशा में बढ़ना चालू कर देते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध की तरफ, और गहराइयों से जो सबसे काली गहराई है, काली काला कलर लक्ष्मी का भी होता है, मतलब मणि को भी ब्लैक कलर में ही माना जाता है, तो वो उन्हें आकर्षित करके ला रहे हैं और अपनी रोशनी के द्वारा इस धरती पर बिखेर रहे हैं। तो जो सबसे खूबसूरत होगा वो सबसे पहले हासिल करेगा, तो किले महलों की खूबसूरती का सामना तो कोई कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जो समय है अभी आपके दीपावली से लेकर के और मकर संक्रांति के बीच का, सबसे सबसे श्रेष्ठ समय है जहाँ इन किलो महलों में घूम करके आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी को अपने साथ में लेके जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैं नरेश कुमार पारिक, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार का गाइड, आपको अच्छी तरह से समझा पाया इस किले में, और चाहें तो आप मुझे भी सेवा का मौका दे सकते हैं। आप मेरे नंबर लिख सकते हैं 9214306706, और मैं आपको बहुत अच्छा आमेर भी और जयपुर भी विजिट करवा सकता हूँ। मैं पैन इंडिया हूँ और बहुत अच्छी नॉलेज रखता हूँ, बहुत लंबे समय से मैं मेरा वर्क भी कर रहा हूँ। थैंक यू अशोक जी को भी थैंक यू, आपने फिर से हमें एक मौका दिया ताकि हम टूरिज्म को प्रमोट कर सकें, आमेर का किला, हमारा स्थानीय किला आपको दिखा सकें पब्लिक को। और अतिथि ही देवता होता है, वही आता है और वही दे के जाता है, वरना इस जयपुर में ना तो कोई इंडस्ट्री है ना कोई एग्रीकल्चर फील्ड है। अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन सफलता से रहती है तो टूरिज्म का उसमें बहुत बड़ा हाथ। आज से करीब 120 साल पहले जब जयपुर की पॉपुलेशन को काउंट किया गया था वो 1,60,000 मात्र, अब 7.5 मिलियन अगर आज की तारीख में पहुंच चुकी है, तो बहुत बड़ी थैंक यू है आप सबको, टूरिज्म को थैंक यू, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और हम आसानी से यहाँ रह पा रहे हैं। थैंक यू अशोक भैया, आपने दोबारा से मौका दिया मुझे। Thank you.